हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम रोटी बनाने चल रहे हैं, नान रोटी। तो हम 2 कटोरी आटा ले रहे हैं, घर का आटा है, आप पैकेट वाला आटा भी ले सकते हैं। तो घर का आटा है तो इसमें हम 1/2 कटोरी सॉफ्ट होने के लिए मैदा मिला रहे हैं। एक चम्मच बेकिंग सोडा मिला रहे हैं, देखिए। स्वाद अनुसार नमक मिला रहे हैं। जिस कटोरी से हमने आटा लिया है उसी कटोरी से हम दही निकाल लेते हैं। आधी कटोरी देखिए, हम दही मिला रहे हैं इसमें। अब इसको अच्छी तरीके से मिला ले रहे हैं, ये देखिए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे, आटा लगाएंगे। आटा हमको हार्ड नहीं लगाना है, एकदम सॉफ्ट लगाना है। तो पानी इस तरीके से हम डाल के लगाए हैं, देखिए एकदम सॉफ्ट है आटा, ये देखिए। एकदम इस तरीके से हम आटा गोला करके इसमें रख दे रहे हैं, इसको ढक दे रहे हैं। 10 मिनट तक आटा हमारा अच्छी तरीके से सेट हो जाए, ये देखिए 10 मिनट हो गया है, आटा इस तरीके से सेट हो गया है। इसमें हाथ में हम ऑयल लगा के इसको इस तरीके से और हम मसल दे रहे हैं आटे को, ताकि नान रोटी एकदम से सॉफ्ट और मुलायम हो। अब हम छोटी छोटी लोई बना रहे हैं, इस तरीके से छोटी छोटी लोई बना के हम प्लेट में रख ले रहे हैं। ये लोई बन गई है तो इसमें हल्का ऑयल लगा के हाथ से हल्के हाथे इसको हम बड़ा कर रहे हैं, ये देखिए। बराबर अच्छी तरीके से हम इसको बड़ा कर लिए हैं। पैन हमारा गरम है तो इसको हम डाल देते हैं। इसको हम पलट दे रहे हैं, दोनों तरीके सेक ले रहे हैं अच्छी तरीके से दोनों तरफ। इसी तरह हम दूसरी नान रोटी बना ले रहे हैं। बराबर इस तरीके से बन गई है। इस तरह हम सभी नान रोटी देखिए बना रहे हैं छोटी छोटी। इसको पलट दे रहे हैं, देखिए एक तरफ हो गई, दूसरी तरफ हम सेक रहे हैं, ये दोनों तरफ हो गई हैं। इसको हम नचा के फुला ले रहे हैं। दूसरी नान रोटी ऊपर रख के देखिए इस तरीके से सेक रहे हैं तो ये फूल आएगी, ये देखिए फूली फूली नान रोटी हमारी बन रही है। हम इसी तरह सभी नान रोटी बना ले रहे हैं एक के बाद एक। ये सभी नान रोटी देखिए इस तरीके से बन गई है फूली फूली। इसको छोले के साथ और चटनी के साथ खा सकते हैं आप, एकदम सॉफ्ट है। देखिए एकदम सॉफ्ट है, एकदम मुलायम है। और हमारा तरीका पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार और धन्यवाद।